हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गीतांश आईटी क्लास में। मैं हूं सुनील कुमार और हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल का मॉड्यूल 3 जो कि है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, जिसका हम चैप्टर 7 स्टार्ट किए हुए थे पिछले वीडियो से और अभी हम चैप्टर 7 ही पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फाइल को ओपन करने के मोड को समझ लिया था, जिसमें हमने बहुत सारे मोड को समझा था, रीड मोड, राइट मोड एंड अपेंड मोड एंड क्रिएट मोड। केवल एक्स लिख कर हम फाइल को क्रिएट कर सकते थे, तो बहुत सारे हमने मोड को समझा था एंड रीड राइट मोड भी हमने समझा था, राइट रीड मोड भी समझा था। तो बहुत सारे टाइप हमने समझ लिया है फाइल को ओपन करने का और उसके मोड क्या क्या थे। तो अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे एक बार ज़रूर विजिट कर ले, बिकॉज कि ये जो हमारा वीडियो है ये उसी के कंटिन्यू में है। सो आप पहले उसे देखें तभी ये आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ओके। क्योंकि हमने आधा पार्ट उसमें कंप्लीट किया हुआ है और बाकी के उसी के कंटिन्यू में ये सेकेंड पार्ट आया हुआ है, तो आप उसे एक बार ज़रूर विजिट कर ले। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने उसे विजिट कर लिया है, देख लिया है, तभी यह आप इस वीडियो को देखें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं आज का ये हमारा क्या लेक्चर है, क्या एजेंडा है। तो हम आज इस वीडियो लेक्चर में फाइल प्रोसेसिंग फंक्शन को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमने फाइल प्रोसेसिंग कंसेप्ट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप जाइए और हमारे प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, तभी ये आपको क्लियर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कि फाइल हाउ टू वर्क, तो आप कैसे इस पर वर्क करोगे, ठीक है। तो फाइल एक्चुअली में वर्क कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं। तो हम आज बहुत सारे मेथड्स को पढ़ने वाले हैं, फंक्शन को पढ़ने वाले हैं, जो कि फाइल को हैंडल करने में हमें मदद करेंगे, ठीक है। जो कि ये आपके सामने है, एक टेबल के फॉर्म में हमने दिखा रखा है कि हमने इतने सारे मेथड्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हमने बहुत सारे मेथड को हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ करके एग्जांपल के साथ आपको समझा भी दिया है। लेकिन हम यहाँ पे थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली सबको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एक फंक्शन है, ओपन फंक्शन। फंक्शन में क्या है कि हमें दो आर्गुमेंट पास करना होता था, फाइल का नाम एंड उसका एक्सेस मोड, कि हम किस पर्पज़ से हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं। और ये क्या करता था, तो एक हमें रेफरेंस रिटर्न करता था, तो हम उसको फाइल में या फिर कोई फाइल पॉइंटर, कोई भी हम वेरिएबल ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करते थे और उसमें हम इसका रेफरेंस को होल्ड करके रखते थे, ठीक है। और यहाँ पे फाइल क्लोज है, फाइल क्लोज में क्या होता था कि हम जब भी कोई फाइल ओपन करते हैं उसको क्लोज करना पड़ता है, तभी ये जाके हमारा प्रोसेस को कंप्लीट करता है, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं करता है। तो ये सारे कंसेप्ट जो थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको फाइल प्रोसेसिंग कंसेप्ट को समझना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर विजिट करें। नेक्स्ट जो मेथड है वो है फाइल डॉट रीड। डॉट रीड मीन्स क्या है कि फाइल एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर रेफरेंस आ रहा है, और इस ऑब्जेक्ट में एक रीड नाम का मेथड्स होगा जिसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर जितने भी है सभी मेथड्स हैं, अब सभी किसके मेथड्स हैं, तो फाइल के। और ये फाइल है क्या, तो फाइल मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसका ये रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो फाइल है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसी को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ये जो फाइल है ये वही वाला फाइल है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे F लिखा होता तो यहाँ पे जितने भी फाइल आपको दिखाई दे रहे हैं सभी जगह क्या होते, तो सभी जगह केवल और केवल F ही होता, ओके। तो अब हम यहाँ पे बारी बारी से सभी मेथड्स को यूज़ करेंगे, सभी फंक्शन जितने भी यहाँ पे हम सबको एक एक करके समझते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो फाइल प्रोसेसिंग मेथड में हम सबसे पहले ओपन करते हैं, कोई भी हमें प्रोसेस करना है फाइल को हैंडल करने वाला, तो हमें सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना होगा। ओपन करने का मतलब क्या होता है कि वो जो फाइल हार्ड डिस्क में स्टोर है उसको रैम के अंदर ओपन करना, यानी कि उसका एक कॉपी हमें रैम के अंदर एग्जिस्ट कराना है, तभी हम उस पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपन कराने के लिए हम ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है This function open a file in read or write mode, ठीक है, and return a object of file,
यानी कि जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो या तो वो रीडिंग पर्पस से होगा या तो वो राइटिंग पर्पस से होगा, और हम इन दोनों किसी भी पर्पस के लिए हम फाइल को ओपन करते हैं, तो जैसे ही ये फाइल ओपन होगा तो ये क्या करता है ओपन फंक्शन की उसका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आपको डाइग्राम के साथ समझा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक फाइल क्या हुआ तो रैम के अंदर कोई फाइल अपीयर होगा, ठीक है। तो ये जब फाइल अपीयर होगा तो ये किसी ना किसी मेमोरी ब्लॉक में तो स्टोर होगा, तो क्या होगा कि ये इसका रेफरेंस किसी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं फाइल पॉइंटर, ठीक है। यानी कि ये जो फाइल अपीयर होता है फाइल डॉट टी एक्स टी, हम मान लेते हैं फाइल डॉट टी एक्स टी यहाँ पे ओपन हुआ है, तो ओपन जो फाइल हुआ है उसका रेफरेंस कहाँ चला जाएगा, तो एक ऑब्जेक्ट में एक फाइल पॉइंटर होगा उसके अंदर ये चला जाएगा, ठीक है। तो इसके मदद से हम इस पूरे फाइल को हैंडल कर सकते हैं, इसमें कोई राइट कर सकते हैं या तो इसमें से कोई डेटा को हम फेच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा ऑपरेशन हम इसमें कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि ओपन फंक्शन का वर्क क्या है, कि फाइल को रीडिंग या राइटिंग मोड में ओपन करना और उसका एक रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट जो है इसका फाइल नेम या उस फाइल का पाथ कि किस लोकेशन पे वो स्टोर है, ठीक है, एंड दूसरा उसका ओपनिंग मोड कि किस मोड में हम ओपन करना चाहते हैं, आइदर रीडिंग या राइटिंग, ठीक है, हम किस मोड में ओपन करना चाहते हैं। तो हमने बहुत सारे मोड को समझा था, ओनली रीड, ओनली राइट, या फिर हम अपेंड करते थे, एक एक्स से केवल और केवल क्रिएट करने का काम करता था, ठीक है, R प्लस, A प्लस, ठीक है, W प्लस। तो ये सारे हमने मोड को प्रीवियस क्लास में समझ लिया था एक एक करके विथ एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अगर इन सभी मोड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं जो कि हमने क्लास 30 में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर विजिट कर ले क्योंकि तभी आप 31 क्लास को समझ सकते हैं, यानी कि जो ये क्लास चल रहा है ये 31 क्लास है, तो आपको इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, तो मैं सिंटेक्स भी आपको उसमें बता दिया गया है, बाकी हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझेंगे, एक बार प्रैक्टिकली फिर देखेंगे। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है क्लोज, ठीक है, और हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में ये समझा था कि जब भी हम कोई फाइल को ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करना होता है, क्लोज भी एक क्या है तो मेथड है फाइल का। और क्लोज क्यों करते हैं तो उसे हम समझ लेते हैं यहाँ पे, व्हेन ऑल ऑपरेशन आर डन ऑन द फाइल, यानी कि हमने कोई फाइल ओपन किया है, ठीक है, अब हम मान लेते हैं इस फाइल का नाम क्या है तो डेमो डॉट टी एक्स टी है, ठीक है, हमने इसमें कुछ राइटिंग पर्पज से ओपन किया था, यानी कि हमें इसमें कुछ राइट करना है, तो हमने इसमें कोई लाइन लिख दिया, सपोज कि ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया, हमने दो लाइन लिखना था, हमने लिख लिया। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा, व्हेन ऑल ऑपरेशन आर डन ऑन द फाइल, फाइल को जिस पर्पज से ओपन किया गया था वो सारे ऑपरेशन अगर क्लियर हो गए हो, डन हो गए हो, देन मस्ट क्लोज इट थ्रो पाइथन स्क्रिप्ट यूजिंग क्लोज मैथड, यानी कि अब क्या करना है, इस फाइल को जो हमने ओपन किया था इसको क्लोज करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट, और पाइथन स्क्रिप्ट में हमें क्या लिखना है तो क्लोज मेथड को यूज करना है, ओके। क्यों करना है तो इसका कारण भी यहाँ पे लिखा हुआ, बिकॉज सम टाइम सम ऑपरेशन इज नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमने तो राइट कर दिया, अब जब तक हम ये क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये राइटिंग किया हुआ डेटा हार्ड डिस्क के अंदर वाले फाइल में स्टोर नहीं होगा। हम जानते हैं कि जब भी कोई फाइल ओपन होता है तो वो रैम के अंदर आता है, तो ये रैम वाला फाइल हो गया, एंड इसका एक ओरिजिनल कॉपी कहाँ होता है तो हार्ड डिस्क के अंदर होता है, तो हमने जो राइटिंग परफॉर्म किया है वो कहाँ हुआ है तो रैम वाले फाइल में, बट इसको हमें क्या करना है तो हार्ड डिस्क वाला जो ओरिजिनल फाइल है वहाँ पे हमें इसको पहुँचाना है, तो वहाँ उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो क्लोज मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं, वो फाइल में सेव ही नहीं होगा, ठीक है। तो एक पर्पज से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर फाइल को सेव करना है तो उसके लिए हमें क्लोज मेथड का एग्जीक्यूशन कराना कंपलसरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा कोड देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ओपन मेथड को
ओपन यहाँ पे ये फंक्शन है, ठीक है, हमने क्योंकि ऑब्जेक्ट को डॉट लगा के हमने कॉल नहीं किया, तो ओपन एक फंक्शन है, और फंक्शन जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन होता है उसका कलर जो होता है वो कुछ पर्पल कलर से यहाँ पे डिफाइन होता है सेल प्रॉम्प्ट में। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि यहाँ पे क्या है, तो ओपन हमने फंक्शन को कॉल किया जिसमें टू आर्ग्यूमेंट्स पास है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है कि इसका नाम क्या है, तो फर्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये हमने एक फाइल को क्रिएट करना है। क्रिएट क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मोड लिखा है वो क्या मोड है, तो एक्स मोड है। इसका काम क्या है, तो फाइल को क्रिएट करना, ठीक है। अब ये कौन से फाइल को क्रिएट करेगा, तो फर्स्ट फाइल को क्रिएट करेगा जिस भी लोकेशन पे अगर ये फाइल क्रिएट हो रहा है। अगर फर्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी के नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये क्या करेगा, तो एक एरर जनरेट करेगा, ठीक है, कब, जब इस नाम से पहले से कोई फाइल वहां पे अवेलेबल होगा तब। अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, तो एक ब्लाइंड फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो हमने इसको चेकिंग करने के लिए यहाँ पे क्या किया है, तो एक मेथड को कॉल किया है जो कि क्या है, तो मैं इसको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ कि हमारा जो सेकेंड लाइन है अगर यह प्रॉपर तरीके से वर्क कर गया तो इसका मतलब क्या है कि फाइल क्रिएट हो गया। अगर फाइल क्रिएट हो गया तो सेकेंड लाइन पे चलेगा, अगर फर्स्ट लाइन में ही एरर आ जाता है तो सेकंड लाइन तो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, बिकॉज कि यहाँ पे वन वन लाइन एग्जीक्यूट होता है। अगर फर्स्ट लाइन में कोई भी एरर आता है तो बाकी के रिमेनिंग जितने भी कोड्स हैं, जितने भी लाइंस हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होते, ओके। तो यहाँ पे जो सेकंड लाइन है प्रिंट फाइल इज क्रिएटेड, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर गया तो ये प्रिंट करेगा फाइल इज क्रिएटेड, ठीक है। एंड हमने फाइनली क्या कर दिया, तो फाइल को क्लोज कर दिया। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको फाइल को क्लोज करना ही करना है, और कैसे करना है, तो जो हमने फाइल बनाया है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करना है, और डॉट ऑपरेटर के साथ इसको क्लोज मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर गया तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, फाइल इज क्रिएटेड, ये हमारा आउटपुट है, ओके। डॉटेड लाइन के नीचे यहाँ पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाइल इज क्रिएटेड, दैट मीन्स क्या है कि हमारा फाइल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है और ये क्रिएट भी हो चुका है। तो अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो पाइथन को स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे हम चलते हैं। तो हम यहाँ पे पाइथन को स्टार्ट कर लेते हैं। पाइथन हम ऐसा कर लेते हैं कि हम प्रीवियस क्लास का जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि एक हमने फोल्डर बनाया था और उसमें प्रोग्राम भी बनाया था और उसमें फाइल को क्रिएट करके हमने देख रहे थे ताकि हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो मैं आपका पहले वो दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक पाइथन प्रोग्राम के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसमें हमने एक फाइल प्रोसेसिंग एंड डेमो नाम का हमने प्रीवियस क्लास में एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और हम इसको फिर से नया क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम ये जो फाइल हम इसको यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं या फिर हम इसको ओपन कर लेते हैं एडिट विथ आइडियली, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है अभी। तो यहाँ पे ये फाइल ओपन हो चुका है, ठीक है। और हम आपको दिखा दें कि ये हम इसमें अब हम कोडिंग करेंगे। तो ये हमारा प्रीवियस क्लास तक का वीडियो था जिसमें हमने ये प्रोसेस किया था, बहुत सारे प्रोसेस किए थे। खैर आज हम इन सभी को इरेज कर दिए और मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा फाइल है इसमें पाइथन प्रोग्राम का जो फोल्डर है इसमें एक ही फाइल है फाइल प्रोसेसिंग डॉट पी वाई के नाम से, जिसमें क्या है तो पाइथन डॉट पी वाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है तो डॉट पी वाई है, ओके। तो डॉट पी वाई में क्या होता है तो पाइथन प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें प्रोग्राम लिखना है और एक न्यू फाइल को यहाँ पे क्रिएट करना है। तो जैसे हम कोई फाइल को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट होने वाला है, ओके। तो हम कोडिंग करते हैं, तो हम यहाँ पे पाइथन वाले लाइन को लिख लेते हैं। तो मैं दोनों को एक साथ रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको हम यहाँ पे साइड में रख लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ पे रख लिया और इस साइड हमने कोड को रख लिया। अब जैसे हम कोड करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया कि ओपन किया, ठीक है। ओपन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है इसलिए इसका कलर चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे फाइल का नाम पास करेंगे। फाइल का नाम क्या है तो फर्स्ट फाइल, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट
file.txt। और मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि हमारा जो फाइल है वो टू टाइप्स को क्रिएट कर सकता है पाइथन, एक बाइट फाइल और टीएक्सटी फाइल। लेकिन हम अभी लर्निंग पर्पज से सीख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे .txt पे ही समझेंगे, क्योंकि आपको अभी बाइट फाइल पे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम अभी टेक्स्ट फाइल पे ही समझेंगे। अब हमारा यहाँ पे मोड क्या है, तो हमें फाइल को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होगा, ओके। और जैसे ये फाइल क्रिएट हो जाएगा तो बस अब क्या है, तो हम फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, बट हम एक आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज दिखाना चाहते हैं कि फाइल क्रिएट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फाइल इज क्रिएटेड, एंड हमने क्या करना है, तो फाइल को क्लोज करना है। तो हम ये जानते हैं कि फाइल जब हम ओपन करते हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो हम उसको फाइल पॉइंटर के में रख लेते हैं। हमने fp नाम से फाइल पॉइंटर बना लिया और हमें क्या करना है, इस फाइल पॉइंटर को हमें क्लोज करना है, फाइल पॉइंटर डॉट क्लोज, ठीक है। और ये चूंकि मेथड है तो हमें पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है, ओके। अब हम इसको रन कराएंगे तो हमारा सेल प्रॉम्प्ट आ जाएगा पूरे पे, तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो मैं पहले सेल प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हमने इस सेल प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया और सेल प्रॉम्प्ट को भी हमने साइड में रख दिया, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा कि हम जब ये प्रोग्राम को रन कराएं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आप देखिएगा कि फाइल भी क्रिएट होगा। तो हमने इसको रन कराया, रन कराने के लिए सेव करा, जैसे हमने सेव किया तो ये तो ऊपर आ गया फिर से। तो ये देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी नाम से यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और हमारा यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है फाइल इज क्रिएटेड, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कि क्या हुआ कि यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है कि फाइल इज क्रिएटेड और यहाँ पे हमारा फाइल भी क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैंक है, ओके। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो हमने जैसे ही फाइल पॉइंटर को एग्जीक्यूट कराया यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं एक बार और इसको रन कराऊंगा तो इस बार क्या होगा, तो एरर जनरेट करेगा, क्यों, क्योंकि ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करता है और एक्स की ये प्रॉपर्टीज है कि पहले चेक करेगा कि क्या फाइल कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो वो एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एरर आ चुका है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ओपन फाइल एंड क्लोज फाइल को यहाँ पे हमने समझा। और अगर आपको मोड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो अगर आप मोड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर विजिट कर ले, तभी ये मोड आपको क्लियर होगा कि हमने एक्स क्यों लिखा है, एक्स का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए हमने इसमें ओपन एंड क्लोज फंक्शन का यूज़ करके हमने एक फाइल को क्रिएट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप ओपन का सिंटेक्स भी समझ गए होंगे कि इसमें टू आर्गुमेंट दिए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड को समझते हैं, नेक्स्ट फाइल प्रोसेसिंग मेथड क्या है। तो नेक्स्ट है रीड। रीड का मतलब क्या होता है कि हम फाइल से कोई डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, उसे आप थोड़ा सा समझिएगा हमने क्या किया यहाँ पे। इसका कलर चेंज करते हैं पहले तो आपको समझ में आएगा। ये एक फाइल है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या हुआ, तो कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से ये फाइल में कोई कंटेंट लिखा हुआ। अब क्या है कि हम इसमें से एक एक लाइन को रीड करना चाहते हैं, यहाँ पे जितने भी लाइन है पूरे, या तो हम पूरे कंटेंट को हम रीड करना चाहते हैं या फिर मॉनिटर पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो उसके ये हमारा मॉनिटर हो चुका है और हम इस मॉनिटर पर क्या करना चाहते हैं कि इसके हर एक लाइन को इस पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड का यूज करेंगे, रीड मेथड का। और ये एक आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट करता है, कौन सा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, तो काउंट आर्ग्यूमेंट। यानी कि अगर हमें कुछ
कैरेक्टर काउंटिंग करके चाहिए, हमें 4 कैरेक्टर चाहिए या 5 कैरेक्टर चाहिए या 2 कैरेक्टर चाहिए, तो उतना हम नंबर पास करेंगे तो वो उतना डिजिट उतना लेटर ही रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो रीड फंक्शन को हम आपको बता दें कि रीड फंक्शन का काम क्या है। तो यहाँ पे है, दिस फंक्शन रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम द फाइल, ठीक है। क्या करता है, तो फाइल से स्ट्रिंग को रीड करने का काम करता है। इट कैन रीड द डेटा इन द टेक्स्ट एज वेल एज बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट को रीड करने का काम करता है और सेम टू सेम बाइनरी फॉर्मेट में अगर है तो हर एक बाइट को भी वो रीड करने का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि हर एक कैरेक्टर एक एक बाइट में वो स्टोर होता है। अगर बाइनरी फॉर्मेट में 01 के फॉर्मेट है तो वो बाइनरी फॉर्मेट में भी स्टोर हुआ है तो उसको भी ये रीड कर सकता है, ठीक है। इट कैन एक्सेप्ट वन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और उस आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है, काउंट, विच इज ऑप्शनल, ठीक है। और ये क्या है, तो ये ऑप्शनल आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। अगर यहाँ पे आप कोई इंटीजर वैल्यू देते हैं, सपोज हमने 5 दिया, तो ये फाइल से 5 कैरेक्टर को ही रीड करेगा, यानी कि 5 बाइट को ही ये रीड करके रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम मैथड को देखते हैं। नेक्स्ट मैथड जो है वो है राइट। राइट का काम क्या है कि फाइल में कुछ राइटिंग करना, कुछ आउटपुट करना, ठीक है। यहाँ पे राइट मीन्स होता है आउटपुट और रीड मीन्स होता है इनपुट। रैम में अगर हम फाइल से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो इनपुट कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हम रीड मेथड का यूज़ करेंगे। राइट का मतलब क्या होता है कि फाइल में कोई डेटा को आउटपुट करना, उसमें कुछ स्टोर करना। तो ये एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है जो क्या है, स्ट्रिंग। और इस राइट में हम जो भी स्ट्रिंग मैसेज देंगे वो सारा डेटा एज इट इज फाइल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमें इसमें कोई स्ट्रिंग पास करना और वो स्ट्रिंग हमें पास करना है जिसे हम फाइल में स्टोर कराना चाहते हैं। दिस मेथड इज यूज टू राइट द स्ट्रिंग इन फाइल। फाइल में ये स्ट्रिंग को राइट करने का काम करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। यू कैन ऑल्सो पास द स्ट्रिंग वेरिएबल इन दिस मोड। इस मैथड में, यानी कि हमारा जो राइट मैथड है, इस मैथड में हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग की कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग है तो हम उसको भी उसमें स्टोर करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तो एक फाइल ओपन किया गया है और इस फाइल में हम समझाते हैं आपको फर्स्ट लाइन क्या है। तो एक फाइल ओपन किया गया है, बट उस फाइल का, यहाँ पे फाइल ओपन हुआ है और इस फाइल का मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट नेम फर्स्ट फाइल है और इसका मोड क्या है, तो केवल राइटिंग, ठीक है। ये क्या है, तो केवल ओनली राइटिंग, केवल राइटिंग करने का काम करेगा। और क्या राइट करेगा, तो फाइल डॉट राइट। फाइल डॉट राइट का मतलब क्या है कि फाइल में हमें राइट करना है दिस इज माई फर्स्ट लाइन, और ये जो स्ट्रिंग है ये सारा स्ट्रिंग कहाँ जाएगा, उस फाइल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या कर दिया, तो एफ डॉट क्लोज कर दिया। अब क्या हुआ, तो फाइल यहाँ पे क्लोज हो चुका है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, फाइल को फिर से ओपन किया गया। अब किस लिए ओपन किया गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग के लिए, ठीक है। हमने पहले ओपन किया था राइटिंग के लिए और इस बार ओपन कर रहे हैं रीडिंग के लिए, ठीक है। हमें अलग अलग काम करना है। W मीन्स क्या होता है, ओनली राइटिंग। R मीन्स होता है ओनली रीड, ठीक है, केवल और केवल रीड करेगा। तो रीड क्या करना है, तो फाइल डॉट रीड, और फाइल से डेटा को रीड करो। अब जो कुछ भी होगा पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न होने वाला है, तो पूरी की पूरी यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न होके आएगा। तो उसको हमने क्या कर दिया, तो डायरेक्ट ही प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट करने का मतलब क्या है कि कंसोल पे आउटपुट आ जाएगा, यानी कि जो हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर पे जो ब्लैक विंडो या फिर हमारा प्रॉम्प्ट आता है, सेल प्रॉम्प्ट, तो वो उस पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट करने के बाद हमें इसको क्लोज करना होगा। तो आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आपको फाइल ओपन करना है और उसको क्लोज करना है, ठीक है। यानी कि हमें फाइल पे कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसको तो सबसे पहले ओपन करना है और सेकंड जो है उसको क्लोज करना है, ठीक है। फिर हमें दूसरी ऑपरेशन करना है, तो फिर हमने फाइल को ओपन किया, फिर हमने यहाँ पे क्लोज किया। अब यहाँ पे हमने दो बार ओपन किया, दो बार क्लोज किया, क्यों, इसे समझना हमें। तो फाइल, एक ही फाइल पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम एक बार में भी तो कर सकते थे, तो इसको यहाँ पे हम समझेंगे कि हमने दो बार क्यों ओपन किया। अब आप इस सिंटेक्स को, इस प्रोग्राम को अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। तब तक मैं आपको लेके चलता हूँ पाइथन पे, ठीक है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम यहाँ पे लेके आते हैं आपको पाइथन पे। अब क्या है कि हमने फाइल को ओपन किया है,
ठीक है, अब क्या ओपन करना है, तो राइटिंग मोड में। अगर मैं अभी रीडिंग मोड में करूँ तो अभी हमारे फाइल में क्या है, तो कुछ नहीं है, ब्लैंक फाइल है। एक से अभी हमने तो फाइल को क्रिएट ही किया था, तो अब हमें उसमें रीड करना है, तो हम कुछ रीड नहीं कर सकते बिकॉज कि उसमें कोई कंटेंट ही नहीं है। तो हम सबसे पहले उसमें कोई कंटेंट को राइट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डब्ल्यू मोड को यूज किया, मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको कोड दिखाई दे पूरा। तो यहाँ पे हमारा फाइल ओपन होने वाला है फर्स्ट फाइल डॉट txt, और यहाँ पे डब्ल्यू मोड है। डब्ल्यू मोड का मतलब होता है ओनली राइटिंग पर्पस, ठीक है। अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो उसको वो ओपन करेगा, अगर नहीं फाइल एग्जिस्ट करता है तो वो फिर से क्या करेगा, तो सबसे पहले उस फाइल को क्रिएट करेगा, क्रिएट करने के बाद उसको ओपन करेगा, ठीक है। अगर पहले से फाइल बना हुआ है, उसमें कुछ लाइन लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उन सभी को इरेज कर देगा और फिर से राइटिंग मोड में स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स क्या है कि वो उसे ओवरराइट कर देगा, ओके। इसलिए आपको केयरफुली इन सभी मोड का यूज़ करना है, क्योंकि हर मोड का अपना डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, ओके। तो अब हम इसमें टाइप करना चाहते हैं, कोई मैसेज टाइप करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया fp.write, ठीक है। और राइट क्या करना है, तो हमने इसमें कोई भी मैसेज पास कर देते हैं। सपोज हमने लिख दिया पाइथन इज वेरी फनी लैंग्वेज, ठीक है। हमने एक मैसेज लिख दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है, फनी लैंग्वेज है, ठीक है। तो हमने इसको करते हैं, और एक बार मैं रन कराकर इतना ही आपको दिखाना चाहता हूं। तो मैंने एक मैसेज भी प्रिंट करा के दिखाते हैं कि अगर ये फाइल राइट हो जाता है तो क्या हमें आउटपुट आए। तो हमें प्रिंट कर देना चाहिए एक मैसेज कि फाइल इज रिटेन। मैसेज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइल इज रिटेन, ठीक है। फाइल लिखा जा चुका है, अगर कोई एरर आता है राइटिंग प्रोसेस में तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो हमें पता चल जाएगा। अगर एरर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ कोई एरर आया और राइटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। फाइल में राइटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अगर ये लाइन एग्जीक्यूट करता है दैट मीन्स कि ये लाइन एग्जीक्यूट कर गया, फाइल में डेटा राइट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको रन कराते हैं F5 बटन से, सेव करने के लिए कह रहा, हमने ओके किया, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है फाइल इज रिटेन। दैट मीन्स क्या है कि ये जो है ये आउटपुट है कंसोल पे, और इसके ऊपर वाला जो लाइन था वो कहाँ चला गया, तो फाइल में चला गया, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो लाइन था पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज, ये कहाँ गया, तो फाइल के अंदर ये कंटेंट चला गया, ठीक है। और ये वाला जो लाइन था ये कहाँ चलाया, तो मॉनिटर के ऊपर, जिसको हम कंसोल भी कहते हैं। कंसोल मींस क्या होता है कि ब्लैक वाला स्क्रीन जो होता है ना कमांड प्रॉम्प्ट की तरह, उसको हम कंसोल कहते हैं, ठीक है। तो ये कंसोल पे, यानी कि जो हमारा आउटपुट स्क्रीन था उस पे आ चुका है ये वाला लाइन। प्रिंट मेथड का काम होता है कि आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करो, एंड फाइल पॉइंटर डॉट राइट मेथड का यूज किया है कि जो भी कंटेंट है इसको कहाँ राइट करना है, तो फाइल के अंदर राइट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज समझ लिया। अब मैं एक बार फाइल को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअली में ये पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। तो हमारे फाइल का नाम यही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फाइल डॉट txt, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फाइल डॉट txt है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे पाइथन इज वेरी फनी लैंग्वेज यहाँ पे आ चुका है, और यही चीज सेम हमने लिखा था। तो आपने ये चीज़ समझ लिया कि अगर हमें कोई फाइल में डेटा को राइट करना है तो हमें डब्ल्यू मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केवल और केवल राइटिंग परफॉर्म करेगा। अब क्या है, तो हमें इस डेटा को रीड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो रीड मेथड का यूज करेंगे। अभी मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ। अब क्या है, तो हम रीड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम एक बार रीड करते हैं। रीड करने के लिए हमें फिर से फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तो हमने फाइल पॉइंटर बना लिया, फाइल पॉइंटर को हमने ओपन किया। ओपन करने के लिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेम ही चीज़ हमें लिखना है क्योंकि हमें सेम ही फाइल को ओपन करना है, बट इस पर क्या करना है, तो रीडिंग मोड से ओपन करना है, ठीक है। अब क्या करना है कि फाइल पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, जिस भी फाइल को, उससे के डेटा को रीड करो, ठीक है। ये रीड करके क्या करेगा, उसके सारे कंटेंट को हमें रिटर्न करेगा।
तो हमने कंटेंट नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने इसके फाइल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी डेटा है, उसको हमने कंटेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कंटेंट को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, हमने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं कंटेंट को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। यहाँ तक क्लियर है कंटेंट में क्या है? तो फाइल की सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे है। ओके, तो अब हम यहाँ पे फाइल पॉइंटर को क्लोज कर देते हैं। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूं, रीड फ्रॉम फाइल, और इसमें मैं लिख देता हूं राइटिंग इन फाइल। हमने फाइल में राइटिंग की एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमने फाइल से डेटा को रीड किया। ठीक है, और ये कोडिंग आपको समझ में आ चुका। हमने यहाँ पे फाइल ओपन किया था और क्लोज किया, फिर हमने ओपन किया एंड क्लोज किया। अब क्या हुआ कि फिर से, अब तो फाइल में तो ये लाइन तो लिखा हुआ है, अगर ये फाइल फिर से एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, क्या उसमें दो लाइन आ जाएगा? तो नहीं, दो लाइन नहीं आएगा। क्या होता है कि डब्ल्यू मोड का काम यही है कि अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसको ओवरराइट कर देगा, यानी कि जो भी उसमें लाइन लिखे हुए हैं उन सबको इरेज करके ये फिर से इस कंटेंट को उसमें राइट कर देगा। ठीक है, तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं इस लाइन को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें क्या करना है, तो केवल रीड करना है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, F5 करता हूँ, रन कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे आ चुका है पाइथन इज वेरी फनी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ ये आप थोड़ा सा समझिएगा कि क्या हुआ। तो हमने फाइल में जो लिखा हुआ था, मैं कोड पे आपको लेके चलता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ यहाँ पे। तो अब समझिए कि हमारा जो फाइल था उस फाइल में तो पहले से लिखा हुआ था Python is very funny language, है ना? तो जब ये कोड एग्जीक्यूट किया होगा इतना दूर, तो ये क्या हुआ, किया कि इसके जो फाइल का डेटा था इन सभी को यहाँ पे इरेज कर दिया। ठीक है, सबसे पहले वो इरेज करेगा, फिर से इस डेटा को स्टोर कराएगा। ठीक है, यानी कि सेम चीज फिर से राइट हुआ होगा। Python is very funny language, पूरी लाइन यहाँ पे लिख दी। अब क्या हुआ, फाइल क्लोज हो चुका है, यानी कि ये डेटा सेव हो चुका है। फिर से फाइल ओपन हुआ, फाइल ओपन होने के बाद क्या किया कि इसके सारे रिकॉर्ड को यहाँ से रीड करो, तो इसने रीड कर लिया सारे रिकॉर्ड को। रीड करने के बाद क्या हुआ, तो कंटेंट नाम का जो वेरिएबल है इसमें वो स्टोर कर दिया। ठीक है, और हमने थर्ड लाइन में क्या किया, तो कंटेंट को प्रिंट करा दिया। तो इसमें जो लाइन लिखा हुआ था पाइथन इज वेरी फनी लैंग्वेज, वो चीज़ यहाँ से डिस्प्ले हो चुका है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो चुका होगा। तो मैं एक बार और रन कराकर दिखाता हूँ और मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसके मैसेज को। ठीक है, इस बार हम क्या करते हैं, इसके मैसेज में हम लिख देते हैं फॉर टेस्टिंग राइटिंग एंड रीडिंग। ठीक है, हमने ये मैसेज डाल दिया। अब क्या है, तो मैं एक बार फाइल को दिखा देना चाहता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है, पाइथन इज वेरी फनी लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये चीज यहां से डिलीट होगा और फॉर टेस्टिंग राइटिंग एंड रीडिंग आ जाएगा। और क्या होगा, तो ये डेटा फिर फेस होगा और फेस होने के बाद वहां पे डिस्प्ले होने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पे इस सबको क्लोज करता हूँ और मैं इसको भी क्लोज करता हूँ। देन अब मैं रन कराता हूँ, रन कराने के लिए F5 बटन प्रेस किया और आप यहाँ पे देखेंगे कि फॉर टेस्टिंग राइटिंग एंड रीडिंग आ रहा है, अब यहाँ पे फनी लैंग्वेज नहीं आ रहा है। ठीक है, और मैं एक बार और उसके प्रोग्राम को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आ चुका है फॉर टेस्टिंग एंड राइटिंग। ठीक है, फॉर टेस्टिंग राइटिंग एंड रीडिंग ये मैसेज यहाँ पे आ चुका है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा आपको कि हम कैसे रीड करते हैं और राइट करते हैं और हमें डिफरेंट डिफरेंट क्यों करना चाहिए। तो उसको भी हम समझ लेते हैं, हमें दोनों बार बार हम क्यों ओपन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फाइल क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है, कमेंट वाले सभी लाइन को यहाँ से भी मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए क्या है, अब मैं इस कोड को समझाता हूँ आपको कि यहाँ पे फाइल ओपन हुआ, राइटिंग हुई, राइटिंग होने के बाद अब हम उसके डेटा को रीड करना चाहते हैं।
ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, एरर क्या आएगा, इसे थोड़ा सा समझिए कि अब क्या है कि हमने एक फाइल बना ली, ठीक है, फाइल में डेटा लिख दिया गया और लिखने के बाद कहाँ चला गया, कर्सर। पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर की बात करें, जैसे ये फाइल ओपन होगा तो कर्सर कहाँ होगा, फाइल पॉइंटर हमारे सबसे स्टार्टिंग में होगा, है ना। अब क्या हुआ कि फॉर टेस्टिंग एंड राइटिंग ये तो राइट करेगा, तो राइट करते हुए यहाँ पे आएगा फॉर जो भी डेटा है उन सभी को टाइप करते हुए लास्ट कहाँ तक चला जाएगा, इन तक, ठीक है, रीडिंग तक। तो रीडिंग करने के बाद यहाँ पे कर्सर आ चुका है। अब हम इसको यहाँ से रीड करेंगे, तो फिर हमने फाइल को ओपन किया, तो अब तो फाइल हमारा ओपन ही है, फिर ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा। एंड फिर क्या हुआ, तो हम फाइल पॉइंटर को रीड करना चाहते हैं, तो रीड करना चाहते हैं तो ये जो कर्सर हमारा लास्ट में है, तो लास्ट में हमारे पास तो कोई डेटा ही अब नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा आगे ही बढ़ेगा ना, पीछे कैसे जाएगा, है ना, तो पीछे नहीं जा सकता, ये हमेशा आगे ही जाएगा, तो ये रीड करेगा, तो आगे तो कोई डेटा ही नहीं है, तो कैसे रीड करेगा, ठीक है। इसलिए हम बार बार क्लोज करते हैं, फिर से ओपन करते हैं, तभी क्या होता है, कर्सर हमारा स्टार्टिंग में आता है, तभी हम इसको रीड कर पा रहे थे। अभी मैं इसको एक बार रन कराकर आपको दिखाता हूँ, तो आपको और क्लियर होगा। हमने क्या किया यहाँ पे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे फाइल को राइट किया, राइट करने के बाद हम रीड किया, दोनों एक साथ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी उसे आप थोड़ा सा समझिएगा। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल एस किया एंड F5 बटन प्रेस किया, तो अब यहाँ पे देखिए कि राइटिंग तो हो चुकी है, लेकिन कह रहा है कि fp.read नॉट रीडेबल, ये रीडेबल नहीं है। क्यों रीडेबल नहीं है, कि दो कारण है इसका। कारण पहला है कि हमने जो मोड ओपन किया था वो मोड क्या है, तो केवल राइटिंग, W है, ठीक है, W मीन्स होता है ओनली राइटिंग, ठीक है। लेकिन एक और हमने मोड पढ़ा था W+, W+ का काम क्या है कि राइटिंग प्लस रीडिंग, ये दोनों काम को करेगा। तो हम एक बार यहाँ पर W+ करके देखते हैं क्या आता है, तो हमने यहाँ पर W+ कर दिया, ओके। अब हम इसको रन कराते हैं, कंट्रोल एस किया एंड F5 बटन प्रेस किया, तो अब भी कोई आउटपुट नहीं आ रहा, एक बार मैं और रन कराकर आपको दिखाता हूँ। हमने F5 बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर देखिए कि कोड तो एग्जीक्यूट हुआ, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी ब्लैंक लाइन एक प्रिंट कर दिया और कुछ नहीं आया, रिकॉर्ड हमारा शो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वही कारण है कि जो हमारा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में एक लाइन लिखते हुए तो कर्सर हमारा लास्ट में पहुँच गया, लेकिन लास्ट में पहुँचने के बाद हमें फिर से रीडिंग काम करना है, तो रीडिंग कहाँ से होगा, जबकि कर्सर तो हमारा लास्ट में, इसे हमें स्टार्टिंग में लाना पड़ेगा। तो उसी लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्लोजिंग का काम करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे अब ये सभी बैक कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, तो अब मैं इसको डायग्राम से समझा देना चाहता हूँ कि हमने फाइल जब क्रिएट किया W से, तो W से फाइल क्रिएट हुआ एक, तो स्टार्टिंग में कर्सर है। अब क्या हुआ कि हमने राइटिंग किया, तो राइटिंग करते वक्त क्या हुआ कि राइट करते वक्त ये पूरी लाइन लिखने के बाद कर्सर लास्ट में आ चुका, फिर फाइल क्लोज हो चुका, तो क्लोज होने के बाद ये मेमोरी से रिलीज हो गया। फिर हमने फाइल को ओपन किया, तो ये फिर फाइल ओपन हुआ, फिर कर्सर कहाँ है, तो स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग में है, तो अब इसके कंटेंट को रीड करो, तो स्टार्टिंग में है और इसमें पहले से एक लाइन लिखा हुआ है, पाइथन इज वेरी सिंपल लैंग्वेज, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी फॉर टेस्टिंग एंड राइटिंग एंड रीडिंग, तो ये लाइन लिखा हुआ है, तो अभी कर्सर हमारा स्टार्टिंग में है, तो अब यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से रीड कर सकता है। रीड करते करते कहाँ चला जाएगा, तो लास्ट में चला जाएगा। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा आपको कि यहाँ पे जो वर्किंग है वो किसका है, तो फाइल पॉइंटर का है, ठीक है। तो फाइल पॉइंटर को आपको अच्छे से मैनेज करना है, तो उसके लिए भी मैथड्स हैं, हम उन सभी को समझेंगे। तो यहाँ पर हमने राइडिंग एंड राइटिंग का एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट मेथड को समझते हैं। तो हमारा अगला जो नेक्स्ट फाइल प्रोसेसिंग मेथड है वो है रीड लाइन, ठीक है। अभी तक हमने रीड एंड राइट को समझा था, अब मैं मेथड को जो बताने वाला हूँ वो मेथड है रीड लाइन। ये क्या करता है, तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये पूरी की पूरी लाइन को रिटर्न करने वाला है फाइल से रीड करके, ओके। तो हम इसके बारे में समझते हैं क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फंक्शन रीड द कंटेंट फ्रॉम फाइल वन लाइन एट अ टाइम,
ये क्या करेगा, तो हमारे फाइल से कंटेंट को रीड करने का तो काम करेगा, बट क्या करेगा, एक टाइम में एक ही लाइन को ये रीड करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो है सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, इस तरह से यहाँ पे थ्री लाइंस लिखे हुए हैं एक फाइल के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ कि रीड लाइन, तो रीड लाइन क्या करेगा, तो वो फर्स्ट लाइन को ही यहाँ पे रिटर्न करने वाला है, ठीक है। एक ही लाइन को ये रिटर्न करेगा, और रिटर्न करेगा तो हमें कुछ वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। हमने डाटा नाम का वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया। अब हम प्रिंट कर देंगे डेटा को, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये फर्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि रीड लाइन क्या करेगा, तो एक बार में एक लाइन को ही ये रीड करेगा। अब लाइन क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जब भी हम न्यू लाइन करते हैं, लाइन चेंज करते हैं, तो ये एक लाइन को इंडिकेट करता है। अब मैं एक पैराग्राफ लिख लिया, एक पैराग्राफ के बाद हमने स्लैश इन किया है, यानी कि एंटर बटन प्रेस किया हुआ, तो ये पूरे को क्या समझेगा, तो ये एक लाइन समझेगा। ओके, यानी कि इसको जहां पे स्लैश एन कैरेक्टर मिलेगा, इस कैरेक्टर को ये वन लाइन ट्रीट करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना कि अगर मल्टीपल लाइंस लिखे हुए हैं बट वहां पे कहीं स्लैश एन बीच में मिल गया, तो जहां भी उसको स्लैश एन मिल गया, वो उसको एक लाइन ये मान के चलेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हमें स्लैश एन को ही एक लाइन मान के चलना, ये उसी को ये एक लाइन ट्रीट करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फंक्शन रीड द कंटेंट फ्रॉम फाइल वन लाइन एट अ टाइम, व्हेन वी वांट टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फाइल देन यूज दिस मेथड। अगर हमें कुछ स्पेसिफाइड लाइन चाहिए, सपोज कि हमारे फाइल में से थ्री लाइन चाहिए, फर्स्ट थ्री लाइन, तो ये फर्स्ट थ्री लाइन को ये निकाल देगा, आउटपुट देगा। हम इस फंक्शन को थ्री टाइम्स यूज करेंगे तो ये थ्री लाइंस को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, और इसके मेथड्स को देखते हैं जो कि सेम इसी से रिलेटेड है। रीड लाइंस यहाँ पे क्या है, तो एक एस नाम, एस जो है वो एक्स्ट्रा है कंपैरिजन देन फर्स्ट वाले मेथड। इसमें जो ऊपर वाला अपसाइड का जो मेथड है, इसमें है रीड लाइन, एंड यहाँ पे जो है रीड लाइंस, ठीक है। रीड लाइन और रीड लाइंस में क्या डिफरेंस है, इसे समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इट एक्सेस द ऑल लाइंस ऑफ फाइल एंड रिटर्न इन लिस्ट टाइप फॉर्मेट। यानी कि अगर इसके पास थ्री लाइंस थे फाइल में, तो वो थ्री लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट लाइन, फिर कॉमा से सेपरेट कर देगा, ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया, फिर यहां से आ जाएगा सेकेंड लाइन, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा थर्ड लाइन। तो ये क्या करेगा, तो हमारे डेटा को लिस्ट के रूप में ये रिटर्न करेगा। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर करना है, समझना है, थोड़ी सी आप केयरफुली समझें तो सब कुछ आपको समझ में आएगा कि ये रीड लाइन क्या करता है, तो एक टाइम में एक ही डेटा को एक्सेस करेगा। ये रीड लाइंस क्या करेगा, पूरे डेटा को एक्सेस करेगा बट उसको लिस्ट के रूप में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, हम इन सबको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है और हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है राइट लाइंस, ठीक है, इसमें भी एस है, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, तो इसमें सीक्वेंस टाइप का डेटा पास करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने लिस्ट की बात की थी, तो हमने एक लिस्ट बना लिया कैरेक्टर का, जिसमें हमने बहुत सारे स्ट्रिंग वन हो गया, एस टी आर वन हो गया, ठीक है, फिर हमने एस टी आर टू बना लिया, ठीक है। तो हमने मल्टीपल स्ट्रिंग को एक टाइम में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम राइट लाइंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि रीड लाइंस एंड राइट लाइंस ये दोनों लिस्ट के ऊपर वर्क करेंगे, यानी कि सिक्वेंस टाइप का अगर डेटा टाइप है तो ये उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। ओके, जो हमारा फर्स्ट वाला मेथड है रीड लाइन, ये क्या करेगा, तो फाइल से वन लाइन को ये रीड करने का काम करेगा। तो इसका हम कोडिंग देख लेते हैं कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देखेंगे कि जो यहाँ पे फर्स्ट है, ये क्या कर रहा है, तो फाइल को ओपन करने का काम कर रहा है, और इसका मोड क्या है, तो मोड है रीडिंग मोड, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका मोड क्या है,
तो रीडिंग मोड है, क्योंकि हम फाइल को रीड करना चाहते हैं, तो हमारा फर्स्ट मेथड जो है रीड लाइन, ये क्या करेगा, तो वन लाइन को ये रीड करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रीड होके आएगा, वन लाइन। ठीक है, वन लाइन, यहाँ पे आउटपुट वन लाइन नहीं आएगा, यहाँ पे वन लाइन में जो कुछ भी डेटा होगा वो रिटर्न होगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने फाइल को क्लोज कर दिया, तो ये फाइल हमारा क्लोज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसमें क्या हुआ कि फिर से फाइल को ओपन किया गया है, लेकिन इसका मोड क्या है, राइटिंग पर्पस से, तो यहाँ पे फाइल को राइट करेगा। और इसमें आप आर्गुमेंट को देखें तो इसमें हमने लिस्ट को पास किया हुआ है। ठीक है, लिस्ट में हमने दो आर्गुमेंट पास किया हुआ है कि स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू। अब इन दोनों को हमें फाइल में राइट करना है, तो हम एक ही टाइम पे दोनों स्ट्रिंग को हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल राइट मेथड का यूज करते थे तो वहाँ पे हम एक ही स्ट्रिंग पास कर सकते थे, एक ही लाइन को लिख सकते थे, बट यहाँ पे हम एक टाइम में मल्टीपल लाइंस को हम इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना है, तो हम चलते हैं पाइथन में और इन सभी तीनों मेथड को हम यूज़ करेंगे और वहाँ पे आपको समझाएंगे कि ये तीनों मेथड का हम कैसे यूज़ करेंगे और इसका क्या आउटपुट आएगा और डिफरेंस क्या है, सभी चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। तो हम पाइथन स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये ओपन कर लिया अपना प्रोग्राम कोड, तो अब मैं इसमें मॉडिफाई करके रीड लाइन एंड राइट लाइंस को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं राइटिंग कर लेता हूँ। राइटिंग में हम यहाँ पे राइटिंग मोड में स्टार्ट किए हैं एंड इसमें हम क्या करते हैं, तो मल्टीपल एरे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक लिस्ट पहले तैयार कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे लिस्ट तैयार कर लिया और लिस्ट में हमने कुछ वेरिएबल्स डाल देते हैं, कुछ स्ट्रिंग डाल देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ नेम का लिस्ट बना लेते हैं। सपोज हम फ्रूट का नाम रख लेते हैं एप्पल। ठीक है, और एप्पल करने के बाद हम न्यू लाइन से अब प्रिंट कराना चाहते हैं, सभी को हम क्या करते हैं, तो न्यू लाइन से एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, तो हमने एप्पल किया, एप्पल के बाद हमने लाइन चेंज कर दिया। फिर हमने क्या किया कि हमने मैंगो लिखा और मैंगो को लिखने के बाद भी हमने क्या किया, तो लाइन चेंज कर दिया, न्यू लाइन। फिर हमने क्या किया, ऑरेंज लिखा, ऑरेंज के लिए हमने क्या किया कि हमने लिख दिया ऑरेंज, ऑरेंज करने के बाद हमने लाइन चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन एप्पल लिखा, एप्पल लिखने के बाद लाइन चेंज हो गया, फिर मैंगो, फिर लाइन चेंज हो गया, फिर ऑरेंज, ऑरेंज करने के बाद हमने लाइन चेंज कर दिया। हमने थ्री वर्ड्स लिखे हैं लेकिन तीनों वर्ड्स क्या है, अलग अलग लाइन में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। हमने लिस्ट तैयार कर लिया, अब हमें क्या करना है कि राइटिंग परफॉर्म करना है, लेकिन राइटिंग में हमें क्या करना है, तो पूरी की पूरी लिस्ट हमें पास करना है, यानी कि लिस्ट में मल्टीपल्स लाइंस हैं, यानी कि स्ट्रिंग्स ऑफ स्ट्रिंग, बहुत सारे स्ट्रिंग का एक हमने स्ट्रिंग बना लिया, लिस्ट बना लिया, और उसको हम एक बार में राइट करना चाहते हैं, तो हम कैसे राइट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको राइट किया, हमारा जो फाइल का नाम है वो है फर्स्ट फाइल डॉट txt, जिसमें हमने राइटिंग मोड में स्टार्ट किया। मैं एक बार और आपको फाइल दिखा देना चाहता हूँ यहाँ से। तो हमारा जो फर्स्ट फाइल है इसमें अभी क्या लिखा हुआ है, फॉर टेस्टिंग राइटिंग एंड रीडिंग। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले पिछले एग्जाम्पल में देख लिया था, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो इसको ओवरराइट करेगा। ओवरराइट मींस क्या होता है, पहले मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। तो जब ये डब्ल्यू मोड एग्जीक्यूट करता है, तो ये पहले तो सर्च करता है करंट डायरेक्टरी में कि जहाँ पे ये प्रोग्राम है उस फोल्डर में क्या कोई फर्स्ट फाइल नाम का फाइल है। अगर मिल गया तो क्या कर दो, तो उसको ओवरराइट कर दो। ठीक है, ओवरराइट कहने का मतलब क्या है कि उस फाइल में जो भी कंटेंट है उन सबको इरेज करना है और फिर से उसमें क्या करना है कि फिर से रीराइट करना है। ठीक है, यहाँ पे रीराइट करना है। ठीक है, ओवरराइट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई कंटेंट फाइल में पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसको रिमूव करके अगेन फिर से उसमें डेटा को राइट करेगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहाँ पे क्या हुआ कि न्यू फाइल क्रिएट करेगा और क्रिएट करने के बाद जो भी हमें डेटा राइट करना है वो राइट कर देगा। तो हम दोनों तरीके आपको करके दिखाएंगे। एक पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास तो एक फाइल है जिसमें कि फॉर टेस्टिंग वाला लाइन लिखा हुआ है। एक बार हम इसको रन करा कर देखते हैं और फिर हमने क्या किया कि यहाँ से रीड किया और रीड इस बार हम क्या करें, अभी तो फिलहाल हमने रीड को ही किया, तो पूरे के पूरे लाइन को, इंटायर
कंटेंट को हम रीड करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा, ऑल कंटेंट, ठीक है, हमने ऑल कंटेंट को रीड किया। यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, रीड ऑल कंटेंट। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पूरे के पूरे कंटेंट रीड होने वाली है। और मैं इसको रन कराता हूँ, F5 बटन प्रेस किया, सेव के लिए कह दिया, मैंने ओके किया और यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा। तो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है कि देखिए कि यहाँ पे हमने फंक्शन क्या रखा हुआ है, राइट, ठीक है, और राइट में क्या कह रहा है, आर्गूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे कितने सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो हमारा मेथड है राइट, राइट क्या करता है तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, लिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो अभी हमने समझा है कि लिस्ट कौन सा मेथड यूज करता है, तो राइट लाइंस, ठीक है, यानी कि हम मल्टीपल लाइंस को लिखना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिस्ट को पास किया है। ओके, ये चीज क्लियर हो गया कि अगर हम केवल राइट लिखते हैं तो वहां पे हमें स्ट्रिंग पास करना होगा, हम वहां पे लिस्ट पास नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अभी चेंज बिना चेंज किए आपको प्रिंट करके दिखाया था, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके कि हम राइट में मल्टीपल लाइंस को हम एक साथ नहीं इंसर्ट कर सकते, वहाँ पे एक ही स्ट्रिंग पास होगा, ठीक है। हाँ, अब वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है तो उसे आप कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप है तो उसके लिए हमें राइट लाइंस का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो नाउ अगेन रन दिस कोड। ओके, तो इस बार देखिए कि हमारा कोड एग्जीक्यूट कर चुका है और हर लाइन में अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट किया था एप्पल, एप्पल के बाद क्या है, स्लैश एन है, तो यहाँ पे एप्पल प्रिंट होने के बाद स्लैश एन हो चुका है, यानी कि ये वन लाइन हो गया, ठीक है। फिर मैंगो, फिर यहाँ पे न्यू लाइन आ गया तो फिर मैंगो, और यहाँ पे ये सेकेंड लाइन हो चुका है। फिर ऑरेंज, ऑरेंज क्या हो गया तो ये हमारा थर्ड लाइन हो चुका है, ठीक है। अब कर्सर कहाँ है, तो लाइन चेंज करने के बाद कर्सर हमारा इस पोजीशन पे होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने पूरे के पूरे रिकॉर्ड को यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ आउटपुट को। अब क्या है, तो हमें रीड लाइन मेथड का यूज करना है, तो रीड लाइन हम करते हैं, ठीक है। तो रीड लाइन क्या करेगा, ये वन लाइन को रिटर्न करेगा, कंटेंट में आ जाएगा और कंटेंट को हमने प्रिंट कर दिया। अब इसका क्या कमेंट होगा, तो रीड वन लाइन, ठीक है। अब ये जो मेथड है रीड लाइन, ये क्या करेगा, वन लाइन को रीड करेगा। मैं रिटर्न करा रन कराता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओनली एप्पल आया, क्यों, क्योंकि हमने एक लाइन को ही रीड कराया। ओके, ये चीज क्लियर है। अब मैं एक बार और इसी लाइन को एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, सेम कोड को मैं एक बार और एग्जीक्यूट कराता हूँ। और देखिएगा, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया एंड हमने कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं कि रीड सेकंड लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, इस चीज को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आउटपुट कैसे आ रहा है। तो हमारे पास एक फाइल है और फाइल में क्या लिखा हुआ है, तो एप्पल, फिर क्या है, मैंगो, देन ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, तो फर्स्ट लाइन, अभी जब ये फाइल ओपन होगा तो ओपन होगा तो इनिशियली कहाँ होगा, यानी कि स्टार्टिंग में हमारा फाइल पॉइंटर यानी कि कर्सर जो होगा वो स्टार्टिंग में होगा। जैसे वो लाइन को रीड करेगा तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसके एंड में आ जाएगा, ठीक है, एप्पल के लास्ट में, और न्यू लाइन मिल जाएगा तो वो न्यू लाइन के बाद क्या हो जाएगा कि वो नेक्स्ट पे आ जाएगा। ओके, अब क्या करेगा कि वो जो फाइल रीड किया है तो कंटेंट में आ चुका है, कंटेंट को यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एप्पल। फिर क्या होगा कि सेकंड लाइन को रीड करो, तो सेकंड लाइन को रीड कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे कर्सर जो है वो सेकंड लाइन में अवेलेबल है, क्योंकि वो तो फर्स्ट लाइन को ही रीड किया, तो अब कहाँ है, तो सेकंड लाइन में अवेलेबल है, तो सेकंड लाइन को रीड करेगा, तो फिर रीड करते हुए वो आगे आ जाएगा, और आगे आने के बाद कर्सर हमारा एंड में फिर पहुंच गया, तो इसको क्या करेगा, कंटेंट को फिर वो आ जाएगा, जो सेकंड लाइन का डेटा होगा, कंटेंट होगा, वो कंटेंट वेरिएबल में आ जाएगा, फिर हमने यहाँ पे उसको प्रिंट करा दिया। ओके, अब कर्सर क्या आ गया है, तो नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में आ चुका है, ठीक है। अगर मैं उसको एक बार और प्रिंट कराऊँ तो थर्ड लाइन भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम इस बार इसको नहीं कराना चाहते,
हम दो ही लाइन को प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो दो लाइन कैसे प्रिंट हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो कर्सर की पॉइंटर है उसको आपको समझ में आना चाहिए। तो कुछ हमने कोडिंग नहीं किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, कुछ चेंजेस नहीं किया। तो मैं इसको रन करा के देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कि एप्पल, एप्पल के बाद क्या हुआ कि न्यू लाइन लिखा हुआ था, तो यहाँ पे न्यू लाइन आ चुका है, फिर मैंगो, फिर न्यू लाइन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो चुका है, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि हमारा दो लाइन प्रिंट हुआ एप्पल, और एप्पल के बाद क्या होता है, न्यू लाइन था, तो न्यू लाइन यहाँ पे आ चुका, फिर मैंगो, मैंगो के बाद न्यू लाइन यहाँ पे आ चुका। अब मैं फिर से रन कराऊँ तो वो नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको कि ये कैसे वर्क कर रहा है। कोडिंग में कोई हमने चेंजेस नहीं किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट से ही क्या होगा कि वो सेकंड लाइन को प्रिंट कर दिया, क्यों, क्योंकि जो इसका फाइल पॉइंटर कर्सर था वो नेक्स्ट लाइन को पार करके सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में आ चुका था, इसलिए। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। तो हम नेक्स्ट समझते हैं रीड लाइंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे एस को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे रीड लाइंस क्या करता है, तो हम इसको यहाँ पे फिर डिलीट करते हैं, ठीक है। रीड लाइंस क्या करेगा, तो रीड ऑल लाइंस एंड रिटर्न इन लिस्ट फॉर्मेट, ठीक है। ये क्या करेगा, तो पूरे लाइंस को तो रीड करेगा, रीड करने के बाद वो लिस्ट के फॉर्मेट में रिटर्न करने वाला है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दिया कंटेंट को, कंटेंट अब क्या बन चुका है, तो लिस्ट बन चुका है। अगर मैं इसके टाइप को प्रिंट कराऊँ तो वो भी हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, बट पहले हम रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं कि कैसा हमारा आउटपुट आएगा। तो हमने F5 बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे आप लास्ट आउटपुट हमारा देखें तो ये चुका है एप्पल स्लैश एन, मैंगो स्लैश एन, ऑरेंज एंड स्लैश एन, ठीक है। जैसे हमने इनपुट किया था उसी तरह से यहाँ पे आउटपुट भी आ रहा है, ओके। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारा जो लिस्ट इनपुट हुआ था ठीक वैसे यहाँ पे हमारा आउटपुट भी आ रहा है। अगर मैं इसके टाइप को प्रिंट कराऊँ तो टाइप हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट, और हम यहाँ पे लिख देते हैं, टाइप फंक्शन को कॉल करेंगे और टाइप फंक्शन में हम कंटेंट को पास कर देंगे, कंटेंट, ठीक है। और मैं इस बार एक बार और रन कराता हूँ, तो रन कराया मैंने, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लिस्ट हमारा प्रिंट हो गया एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, स्लैश एन के साथ, और यहाँ पे हमारा लिस्ट भी प्रिंट आउट हो रहा है, ओके। यहाँ पे टाइप आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट है, क्लास बना हुआ है, क्लास लिस्ट का ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके। एक बार मैं और आपको लूप के थ्रू प्रिंट आउट करा कर दिखा देता हूँ कि लूप के तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आप इसे पहले नोट डाउन कर लें, फिर नोट डाउन करने के बाद मैं इसमें चेंज कर लूँगा। आपको ये चीज़ नोट डाउन पहले कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसमें मॉडिफाई करूँगा, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको नोट डाउन करने के लिए, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ओके। तो मैं अब इसमें चेंजेस करने जा रहा हूँ। पहले तो ये कमेंट हटा लूँ, ये डिस्टर्ब करेंगे। और अब हमें लूप के थ्रू प्रिंट कराना है एक एक लाइन को, तो हम कैसे करेंगे, तो अब हमारे पास रीड लाइंस हमने किया, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लूप लगा लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप लगा लिया, और हमने डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने पास कर दिया रीड लाइंस को, fp.readlines। अब ये क्या करेगा कि एक एक लाइन को रीड करेगा एंड वो हमारे डेटा में एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने यहाँ पे रीड लाइन कर लिया, ठीक है। रीड लाइन करने के बाद क्या होगा, तो हम यहाँ पे एक एक लाइन को प्रिंट कराएंगे। तो हमने फॉर लूप का ब्लॉक बना लिया, और ब्लॉक बनाने के बाद हमने एंटर बटन प्रेस करके कंटेंट को उसके अंदर पास कर दिया, यानी कि क्या होगा, तो वो एक लाइन को प्रिंट करेगा, रीड करेगा रीड लाइन, और रीड करने के बाद वो डेटा में आ जाएगा। यहाँ पर डेटा होगा data, ठीक है। और हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर लिया data डाटा, ठीक है। तो डाटा एक एक लाइन आएगा डाटा, और एक एक लाइन को हमने प्रिंट कराना है, ओके। तो अब मैं रन कराने जा रहा हूँ। रन कराने से पहले हमेशा की तरह मैं एक बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दूँ ताकि आउटपुट समझ में आए। तो हमने यहाँ पर फाइल को रीड किया, पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो फाइल में क्या है, तो राइटिंग मोड में आया, फाइल में एप्पल, मैंगो, ऑरेंज आ गया। तो यहाँ पे एक फाइल बन चुका है जिसमें क्या है,
एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज, ठीक है, ये तीन चीज है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने फाइल क्लोज हो गया, लिस्ट यहाँ पे अपीयर हो चुका है। अब हमने यहाँ पे फाइल को ओपन किया रीडिंग मोड में, क्योंकि अब हमें रीड करना है। तो अब हमें क्या करना है कि हमने लूप लगाया है कि फाइल पॉइंटर रीड लाइन। तो रीड लाइन करने से क्या हुआ कि इसके जगह पर एक लाइन आएगा। एक लाइन कहने का मतलब क्या है, एप्पल, ठीक है। तो एप्पल जब आ जाएगा तो यहाँ पे आप समझिएगा कि क्या होगा, तो डेटा में क्या जाएगा, तो डेटा में पहले बार में ए जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रिंट क्या होगा तो ए प्रिंट होगा, फिर क्या होगा तो फिर पी प्रिंट होगा, फिर पी प्रिंट होगा, फिर एल प्रिंट होगा, फिर ई प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आने वाला है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन के जगह पर क्या है, रीड लाइन। तो ये तो फर्स्ट लाइन को ही रीड करेगा, जाहिर सी बात है, तो एक लाइन को रीड करेगा, तो एक लाइन को रीड करने के बाद इसके हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली प्रिंट करने वाला है। अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ रीड लाइंस, एस में लगा दूँ, ठीक है, तो एस लगाने से क्या होगा कि इसके लिस्ट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज, ये तीनों चीज आ जाएंगे। तो पहली बार में पहला रिकॉर्ड जाएगा एप्पल, तो यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरी बार लूप चलेगी तो मैंगो आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंगो आ जाएगा। थर्ड टाइम में ऑरेंज आ जाएगा डेटा में, तो फिर थर्ड टाइम में यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा। तो अगर हम रीड लाइन यूज करते हैं तो एक एक कैरेक्टर आएगा, और वो भी केवल और केवल फर्स्ट लाइन का। अगर रीड लाइंस यूज करते हैं तो हर एक वर्ड यानी कि हर एक लाइन यहाँ पे इंडिविजुअली प्रिंट होने वाले हैं। ओके, आई होप कि ये चीज़ दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम बारी बारी से दोनों को प्रिंट आउट करा कर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं रीड लाइन को एग्जीक्यूट कराता हूँ लूप के थ्रू। तो हमने F5 बटन प्रेस किया, ओके किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्पल इस तरीके से एक एक आ रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने समझा था कि एक एक कैरेक्टर आएगा। अब हम यहाँ पे एस लगा देते हैं रीड लाइंस। अब रीड लाइंस में क्या होगी, पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, तो हम हर टाइम पे एक एक लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम F5 बटन प्रेस करते हैं, ओके, तो यहाँ पे आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, तो एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये इस तरीके से आ रहा है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। तो अगर आपको दो रिकॉर्ड या थ्री रिकॉर्ड्स आपको प्रिंट कराना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे काउंटर बनाना पड़ेगा और काउंटर के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमें टू टाइम्स ही प्रिंट कराना है, तो हमने यहाँ पे काउंट बना लिया कि टू। अब क्या है कि हमें टू टाइम्स को ही प्रिंट कराना है, तो एक और हम यहाँ पे रखते हैं, सपोज हमने यहाँ पे एक आई बना लिया, और आई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो है। और हम यहां पे चेक करेंगे इफ आई नॉट इक्वल टू टू, ठीक है, यानी टू का मतलब क्या हो गया, काउंट, ठीक है, यानी कि आई जो है वो काउंट के इक्वल नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो इसको प्रिंट कर दो। और अगर हो जाता काउंट के बराबर तो उसको प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, तो हर बार आई को बढ़ाएंगे, आई प्लस इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि आई की वैल्यू इनिशियली जीरो है, कि जीरो नॉट इक्वल टू काउंट, काउंट मीन्स टू, क्या ये जीरो दो के बराबर नहीं है, हाँ बराबर नहीं है, नहीं है, तो इसको एक बार प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद फिर एक बार आई बढ़ेगी, आई अब जीरो से वन हो चुका है, वन नॉट इक्वल टू टू, हाँ अब बराबर नहीं है, तो नहीं है, तो फिर से प्रिंट कर दो। अगर ये आई अब क्या हो गया, तो ये वन से बढ़कर टू हो चुका है, तो जैसे ही ये टू होगा तो ये बराबर हो चुका है। बराबर होने का मतलब क्या है कि अब इसे में प्रिंटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, अब मैं इसको रन कराकर आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने F5 बटन प्रेस किया और ओके किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एप्पल एंड मैंगो दो लाइन हमारा यहाँ पे प्रिंट आउट हो चुका है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको कि हम एक एक लाइन को कैसे प्रिंट कराएंगे और हम लिस्ट के रूप में कैसे इसको यूज कर सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया, ओके। तो अब हम यहाँ पे इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। आई होप कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे, आप स्क्रीन पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं किए तो। तो अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब मैं इस फाइल को भी एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें एप्पल, मैंगो, ऑरेंज आ चुका है, जो कि पहले टेस्टिंग वाला लाइन लिखा हुआ था। तो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं आप हमारा क्या। तो हमने यहाँ पे तीनों
मेथड को पढ़ लिया, समझ लिया, एंड अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, मेथड प्रोसेस, वो है टिल एंड सिक। ठीक है, ये दो मेथड्स हैं, अब इन दोनों को समझते हैं। तो यहाँ पे टेल मीन्स होता है कि पॉइंटर की पोजीशन बताएगा कि अभी पॉइंटर हमारा किस लोकेशन पे है। ठीक है, जैसे कि अभी तक हम समझते आ रहे हैं कि हमने फाइल को रीड किया, तो रीड करते वक्त क्या हुआ कि कर्सर हमारा लास्ट में चल गया, या फिर हम राइट कर रहे हैं तो राइट करते वक्त हमारा कर्सर लास्ट में है। तो अभी हमारा कर्सर की लास्ट पोजीशन क्या, अभी करंट पोजीशन क्या है वो हमें पता करना है, तो उसके लिए हम टेल मेथड का यूज़ करेंगे। टेल मेथड है, एंड अगर हमें इस पॉइंटर को ही मूव करना है, शिफ्टिंग करना है, तो उसके लिए हम सिक मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि फाइल पॉइंटर में मॉडिफाई करना है तो हम इन दोनों मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम एक बार इसे समझ लेते हैं। टेल कह रहा है दिस मेथड इज रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, इट प्रिंट द बाइट नंबर, यानी कि जो भी हमारा नंबर स्टोर हुआ है या फिर हमने टेक्स्ट स्टोर किया हुआ है फाइल में, तो कितने कैरेक्टर स्टोर हुए हैं उसका नंबर ये प्रिंट करके हमें दे देगा। ठीक है, और सिक मेथड कहता है कि ये इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास होगा ऑफसेट, एंड ये कह रहा है दिस मेथड इज मॉडिफाई द फाइल पॉइंटर पोजिशन, ये फाइल के पॉइंटर के पोजिशन को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, इट हैज टू आर्ग्यूमेंट बट वन इज ऑप्शनल। ठीक है, इसमें दो आर्ग्यूमेंट होते हैं बट एक जो होता है वो ऑप्शनल होता है, वो आप नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफसेट क्या है इसे हम समझते हैं। तो ऑफसेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफसेट में हमें एक इंटीजर वैल्यू देना है। यहाँ पे ये कह रहा है इंटीजर जो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे वो क्या होगा, तो इट रेफर्स द न्यू पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर की वो नई पोजिशन को रेफर करेगा। अगर हम राइटिंग करते वक्त या रीडिंग करते वक्त हमारा जो पॉइंटर लास्ट में मूव होके चला गया है, तो उसको हमें नई पोजीशन पे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हमें ऑफसेट देना पड़ेगा, और ऑफसेट हम इंटीजर वैल्यू में देंगे। ठीक है, अब हम इसके सेकंड आर्गुमेंट को समझते हैं। सेकंड आर्गुमेंट है फ्रॉम। फ्रॉम में क्या होता है, ये थ्री वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, या तो जीरो या वन या तो टू, इसके अलावा और कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। जीरो का मतलब होता है बिगनिंग पोजिशन, वन का मतलब होता है करेंट पोजिशन, एंड टू का मतलब होता है इंड पोजिशन, और इसके अलावा और कोई आप थर्ड वैल्यू आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। फाइल यहाँ पे ओपन हुआ है, फर्स्ट फाइल .txt और रीडिंग मोड में है, और यहाँ पे इसके फाइल पॉइंटर के पोजिशन को प्रिंट कराया गया है, तो वो कुछ इस तरीके से है। तो फाइल डॉट टेल किया गया, तो ये जो भी करंट पोजीशन होगा, हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में बिगनिंग ही होता है, जीरो होता है, तो वो जीरो पोजीशन को रिटर्न कर देगा। ओके, और क्या गया कि फाइल डॉट सिक, अब फाइल को आगे शिफ्ट कर दिया गया 10 पोजीशन, तो 10 पोजीशन आगे शिफ्ट कर गया। अब यहाँ पे फिर से उसके पोजीशन को प्रिंट कराया गया, तो यहाँ पे उसके शिफ्टिंग करने के बाद के पोजीशन को प्रिंट करेगा। ओके, और यहाँ आउटपुट में भी आप देख सकते हैं कि जब यह फर्स्ट लाइन प्रिंट करेगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जीरो आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट हमारा जीरो होता है, एंड 10 पोजीशन सिक करने के बाद, शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे अब 10 प्रिंट हो रहा है। ओके, तो इन सबको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं, आपको प्रैक्टिकली पाइथन पे लेके चलते हैं आपको, और ये हमारा पाइथन स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसको समझते हैं कि कैसे हम इसे यूज़ करेंगे। तो अब हम राइटिंग वाला प्रोसेस को बंद कर देते हैं, इसी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, इसमें हम केवल रीडिंग करेंगे। और रीडिंग क्या करना है, तो हमें पता है कि उसमें 3 लाइंस है, तो मैं इन सभी को अभी डिलीट करता हूँ और मैं फिर से कोडिंग करता हूँ, और बहुत ही सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फाइल पॉइंटर डॉट, पहले तो मैं इसको प्रिंट करा दूं कि अभी करंट पोजीशन क्या है, तो हमने किया फाइल पॉइंटर डॉट टेल। ठीक है, और हमने जैसे इसको F5 बटन प्रेस किया, तो अभी आप आउटपुट देखेंगे जीरो क्या है, तो जीरो इसकी अभी बिगिनिंग पोजीशन है। ओके, और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ एक बार, मैसेज के साथ भी हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं बिगिनिंग पॉइंटर पोजीशन। ठीक है, बिगिनिंग पॉइंटर पोजीशन हमने दे दिया। अब क्या करते हैं कि हम शिफ्ट करते हैं किसको, तो फाइल पॉइंटर को हम शिफ्ट करते हैं, फाइल पॉइंटर fp.sick। ठीक है, और सिक करने के बाद हमें कितना सिक करना है वो हमें आर्गुमेंट पास करना होगा। 2 आर्गुमेंट हमने पास किया, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाले लाइन को, हमने यहाँ से
इन सबको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं करंट पोजीशन, ठीक है, करंट पॉइंटर पोजीशन, और यहाँ पे है बिगिनिंग पॉइंटर पोजीशन, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार रन कराता हूँ, केवल अभी हम पॉइंटर को ही रन करा रहे हैं। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया, हमें यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव किया और रन कराया, तो यहाँ पे देखिए कि बिगिनिंग पॉइंटर पोजीशन 0 एंड करंट पॉइंटर पोजीशन 10, यानी कि हमने 10 शिफ्ट किया था तो अब ये 10 हो चुका है। अब हम रीड करके देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको रीड करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, जो सीक करने वाला मेथड था उसको हम कमेंट कर दिया, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया। हम एक लाइन को रीड करते हैं, तो हमारे फाइल में एप्पल मैंगो लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिखा fp.read, ठीक है, रीड लाइन, ठीक है। हमने एक लाइन को ही रीड करते हैं, उसके बाद पॉइंटर को हम समझते हैं, रीड लाइन किया और हम यहाँ पे सेव किए। सेव करने के बाद हम रन कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, बिगिनिंग पॉइंटर पोजीशन 0 बाई डिफॉल्ट 0 है, और एप्पल को रीड किया, रीड करने के बाद 7th पोजीशन पे है। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि 7 कैसे आया, जबकि हमारे पास कितने कैरेक्टर्स है, 5 ही कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो 0 नंबर पे है, हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे काउंटिंग हो रहा है। तो पहले 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक तो 5 हो गया। इसके बाद एक न्यू लाइन है, स्लैश एन हमने जो किया था वो न्यू लाइन है 6, एंड अब जो करंट पोजीशन है वो कितना हो गया इसका 7, यानी कि 6 तक तो क्या है कि उसका कैरेक्टर ही है, और 7th नंबर पोजीशन पे ये हमारा कर्सर अवेलेबल है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको कि 7th पोजीशन पे ये कर्सर है और उसके पहले 6 कैरेक्टर है, 5 तो हमारा अल्फाबेट हो गया, और एक कैरेक्टर जो है वो न्यू लाइन है, उसे भी एक कैरेक्टर ये कंसिडर कर रहा है। तो अभी जो करंट पोजिशन है वो कितना है, 7 है, ओके। अब मैं अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो वो 7 नंबर कर्सर से, 7 नंबर से स्टार्ट करेगा कोई भी ऑपरेशन। अगर मैं इसको फिर से रिवर्स ले जाना चाहता हूँ, 0 पे करना चाहता हूँ, तो देखिए कैसे होगा। तो अब मैं यहाँ पे सिक कर देता हूँ, सिक, और यहाँ पे हमने 0 कर दिया, और 0 करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक बार और इसी चीज़ को मैं रीड करता हूँ और फिर से प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। और इस बार मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इसको, और मैंने सेव करके रन कराया, तो यहाँ पे आप देखेंगे एप्पल न्यू लाइन, एप्पल न्यू लाइन, ठीक है। तो ये एप्पल 2 बार प्रिंट कर दिया, क्यों, क्योंकि पहले तो 0 पे था तो एप्पल आ गया, कोई बात नहीं। फिर हमारा जो 7th नंबर पे कर्सर पोजीशन, तो उसको मैंने फिर पीछे बैक कर दिया 0 नंबर पे, और उसको हमने फिर से एप्पल को प्रिंट करा दिया, ओके। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे शिफ्ट करते हैं। आई होप कि आपको टेल एंड सिक ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो हमने यहाँ पे ऑफसेट को भी देख लिया एंड टेल सिक, इन सभी मेथड को हमने यूज़ करके भी समझ लिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर कोई भी कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या समझा, फाइल प्रोसेसिंग फंक्शन को समझा, जो कि इतने सारे फंक्शन थे, इन सभी फंक्शन को हमने एक एक करके समझा। फाइल को ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ रीड करना है तो हम कैसे करेंगे, राइट करना है तो हमें कैसे राइट करना है, राइट में हमने सिंगल लाइन को राइट करना सीखा, मल्टीपल लाइन को भी राइट करना सीखा, एंड हमने एक एक लाइन को रीड करना भी सीखा, एंड एक बार में पूरे डॉक्यूमेंट को रीड करना सीखा, और हम लिस्ट के रूप में भी रीड करना सीखा है, ठीक है। और हमने मॉडिफाई करना सीखा फाइल पॉइंटर को सिक मेथड से, ठीक है। टेल मेथड जो है ये क्या करता है, तो हमारा जो कर्सर पोजीशन का जो लोकेशन है उस पोजीशन को वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो हमने इसमें सभी मेथड को यूज कर लिया था, जो कि बेसिक है, ठीक है, हमारे अभी तक के काम में इन सब का यूज हुआ था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी ओ लेवल एग्ज़ाम को क्रैक कर सके एंड लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।